जयपुर में 29 लोग जीका वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री से तुरंत ही एक रिपोर्ट मांगी गई है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, स्थिति अभी कंट्रोल में है। हालांकि बिहार में अलर्ट जारी हो गया है। पहला सवाल, जीका वायरस से डरना क्यों चाहिए? डेढ़ साल पीछे चलते हैं, मई 2017 में मालूम पड़ा था कि भारत में जीका वायरस के 3 केसेस कंफर्म हो गए हैं। उस वक्त ही हमें ये मालूम पड़ा था कि जीका वायरस के ही चलते 2015 से दक्षिण अफ्रीका, खासकर ब्राजील में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके सिर आम बच्चों से काफी छोटे होते हैं। इन बच्चों को माइक्रोसिफेली नाम की बीमारी होती है। जब इन बच्चों की पहली तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी, दुनिया सकते में रह गई थी। काफी पड़ताल के बाद सामने आया था कि माइक्रोसिफेली जीका वायरस की वजह से फैलता है। सवाल नंबर 2, जीका आखिर है क्या? जवाब, जीका की खोज 1947 में युगांडा के जीका जंगलों में हुई थी, इसीलिए वायरस का नाम जीका वायरस है। वैज्ञानिक वहां के बंदरों में येलो फीवर पर रिसर्च कर रहे थे, तब ये वायरस पहचान में आया था। इंसानों में इसके पहले केस 1952 में युगांडा और तंजानिया में मिले थे। अगला सवाल, जीका के सिम्टम यानी लक्षण क्या होते हैं? इस वायरस के संपर्क में आने पर उसी तरह के लक्षण नजर आते हैं जैसे डेंगू होने पर होते हैं, मसलन बुखार, सरदर्द, आंखों में जलन और बदन दर्द। इसलिए इसे डेंगू का कजिन भाई भी कहा जाता है। 2015 में ब्राजील में सामने आए माइक्रोसेफेली के मामलों से पहले वैज्ञानिक नहीं जानते थे कि जीका से ये बीमारी भी हो सकती है। किसी बच्चे को माइक्रोसेफेली होने की आशंका तब होती है जब कोई प्रेग्नेंट औरत जीका की चपेट में आ जाए। अगला सवाल, ये फैलता कैसे है? जीका डेंगू का मौसेरा भाई है, तो फैलता भी उसी तरह है जैसे डेंगू फैलता है, माने एडीज मच्छर के काटने से, चिकनगुनिया फैलाने वाला मच्छर। ये मच्छर नम और गर्म जगहों में पाया जाता है, इसलिए इक्वेटर के पास के इलाकों में इसके मामले ज्यादा पाए जाते हैं। इक्वेटर भारत से नहीं गुजरता, लेकिन यहाँ भी इस मच्छर के पैदा होने और परिवार बढ़ाने के लिए पर्याप्त गर्मी और नमी मौजूद है। एक प्रेग्नेंट माँ से जीका उसके बच्चे तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जीका सेक्स के दौरान भी एक पार्टनर से दूसरे तक पहुंच सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मानना है कि जीका ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक व्यक्ति का खून दूसरे को चढ़ाने से भी फैल सकता है। इसकी टेस्टिंग खून, पेशाब या फिर वीर की जांच से होती है। अगला सवाल, जीका का इलाज क्या है? जवाब, आमतौर पर जीका के लिए किसी खास इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ दिन अपना ध्यान रखने और आराम करने से अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए जीका को लेकर उतना हो हल्ला कभी रहा नहीं। लेकिन माइक्रोसेफेली से जीका का संबंध सामने आने के बाद इसको लेकर डर फैला है। कोशिश की जा रही है कि जीका के लिए टीका बनाया जाए, लेकिन अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है और अभी इसमें सालों लगने की संभावना है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारत में जीका का एक टीका बना लिया गया है, लेकिन वो भी फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो फिलहाल ये समझिए कि रोकथाम ही इलाज है।